जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलाय जगदाळे, MD होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से मेरे YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। 8 अक्टूबर को मैं 8 या 7 अक्टूबर को मैं लास्ट बार आखिरी लाइव आया था। उसके बाद में फिर मैं 23 अक्टूबर को एक बार लाइव आया था धनत्रयोदस के दिन, आपको दिवाली की शुभकामना देने और बता रहे। उसके बाद आज लाइव आया हूँ। मैंने इसको पहले आपको सब कुछ समझा दिया है कि क्या होगा, कैसे होगा। और ये जो है ये कल की महाभारत है, कल की महाभारत 2.0 है। जो महाभारत हुआ था द्वापर युग में, त्रेता युग में श्री कृष्ण भगवान का, मैंने आपको समझाया है कि ये 2030 तक किस तरह जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को मेरा वीडियो था, तो मैं अभी कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ। फालतू कमेंट्स के लिए आया ही नहीं, मैं आ ही नहीं रहा हूँ, मुझे आना ही नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि अब जो है आप लोगों का जो जानने का पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। इसके आगे का जो पीरियड है वो आप लोगों का नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन जो डायमेंशन में मैं जाके देखता हूँ वो आप लोगों के लिए नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। इसलिए मैं गए बाय 20-22 दिनों से लाइव नहीं आ रहा हूँ। अब जो है मैंने परसों के दिन या 3 दिन पहले पोस्ट डाली थी, स्टार सीड्स एंड द चोजन वन बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब जो है वो उनका पीरियड स्टार्ट हो रहा है। अब कल की महाभारत रियल में स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों का जो है कॉमन लोग, उनका ये पीरियड नहीं है। जिनको ये समझना है वो समझ रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो कॉमन लोग हैं वो कहेंगे क्या कुछ हो रहा है, आप लोगों का है नहीं भाई साहब। मैंने पहले भी कहा है, जब महाभारत हुआ था तो महाभारत के टाइम पे जो भगवद गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी वो पूरे पांडवों को नहीं बताई थी, वो सिर्फ अर्जुन को बताई थी, और वो भी रियल टाइम लाइन में नहीं बताई थी। उन्होंने उसको अलग डायमेंशन में जाके वो समझाई थी, क्योंकि उस वक्त के लिए महाभारत रुक गया था, युद्ध जो था वो रुक गया था। तो उसी तरह से अभी जो है ये टाइम लाइन लोग अकल नहीं है, कभी भी कॉल करते हैं फट गई है एक्चुअली लोगों की। डॉक्टर जगदाळे लाइव नहीं आ रहा है तो इसकी वजह से बहुत लोगों की फट गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा है जो जागा था वही बचेगा, जो जागा था वही बचेगा। इसलिए मेरे को समझाने का, मेरे को बताने का भी मेरे को दिल नहीं कर रहा है, खत्म हो चुकी है टाइम लाइन। जिन्हें पनीर टिके लिए है, मैंने कहा था मेरे हिसाब से 5 साल का टाइम पीरियड रहेगा, मगर डॉक्टर ल्यूक मॉन्टेगियर ने तो उसको 2.5 साल दिया था। दिसंबर में उनको 2 साल कम्प्लीट हो जाएगी टीकाकरण को, और उसके बाद अगले 5-6 महीने यानी मार्च अप्रैल ये लोग HIV, ल्यूकस एरिथेमेटस, कैंसर, एड्स मर जाएंगे, कुछ नहीं, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों को अपने कमरे जाके शमशान में पहुंचाने की तैयारी कर लीजिए। और जो लोगों ने मेरे पर भरोसा रखा है, जो लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने मेरी बात मानी है, जिन्होंने पहले टीके नहीं लिए, जिन्होंने अपने घरों में राशन भर के रखा है, कल ही मैंने मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट डाली है, भारत का एक्सटर्नल एक्सचेंज मनी। बेवकूफ है यार लोग, तुम एक बार फोन कट कर लिया, समझ में नहीं आता तुमको। इंदौर से कोई तो भी था मुक्ता, अकल नहीं तेरे को, फोन कट किया मतलब आदमी कहीं तो बिजी है, तेरा गुलाम हूं मैं, तेरा बाप का गुलाम हूं मैं, यहां पे बैठे हुए तेरे फोन उठाओ मैं, तुमको जॉब देने के लिए क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तुम्हारा, मैं फोन नहीं लगाने का मेरे को, मैं सच बोलता हूं, मैं बहुत गाली देता हूं। दिल किया मेरे को तुमसे बात करने का, तेरे बाप को फोन किया तूने 10 साल में, बेटे को फोन करते हो दिन में 2 बार, मेरे को फोन किया,
अरे मेरे से फायदा है तुम्हारा, तुम फायदे के लिए आते हो, तुम्हारा फायदा है मेरे पास कि तुम मेरे को सुनने आते हो। ये होता है, तुमको सुनना है सुनो, नहीं अरे भाई जब मेरे दिल करेगा मैं बताऊंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं लाइव आऊंगा, लाइव जो था आपके लिए जितना जानना था उतना बता दिया मैंने,